आज मैंने अपने किचन में बनाया है चटपटा गोश्त। इतना चटपटा और इतना मज़े का है ना कि आप अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें कि मैंने ये झटपट चटपटा गोश्त कैसे बनाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन बन रहा है चटपटा गोश्त, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ये गोश्त कोरमा कढ़ाई वगैरह खा के थक जाते हैं, कुछ दिल करता है चटपटा खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम चटपटा गोश्त बनाएं। तो चटपटा गोश्त बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, आधा किलो मैंने बॉयल किया हुआ मटन लिया है, 4 गिलास पानी के लिए, और उसमें मैंने मटन को बॉयल कर लिया मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब 1/2 कप पानी रह गया तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये बॉयल किया हुआ गला हुआ मटन है 1/2 कप यखनी के साथ। टमाटर लिए हैं 2 लार्ज साइज के कटे हुए, ऑयल लेंगे 1/2 कप, टमाटो प्यूरी लेंगे 1/2 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, 2 करी पत्ते लेंगे, मैंने बड़े वाले लिए, अगर आप छोटे ले रहे हैं तो आप 10 ले सकते हैं। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, नमक लेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस लेंगे 1 टेबलस्पून, सिरका लेंगे 1 टेबलस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चटपटा गोश्त बनाने के लिए। एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे, और अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। तो ये देखिए अदरक लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ते, तो ये 2 करी पत्ते डाल देंगे, इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, साथ इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें ये जो मटन की यखनी है ये हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। पांच मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए मसाला हमारा रेडी है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब इसमें हम डाल देंगे मटन, बॉयल किया हुआ मटन। मटन डाल के इसे मिक्स करेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। मटन को बॉयल किया आपने, फ्रिज में रख दिया, और जब आपका दिल किया मटन को पकाने का तो ऐसे आप सॉस बनाएं। और तो अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्योरे और इसमें डालेंगे सोया सॉस, सिरका, मिक्स करेंगे। मटन तो हमारा बिल्कुल गला हुआ है तो हमें इसे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए चटपटा गोश्त हमारा रेडी है। अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, ये सारा गरम मसाला पाउडर हम इसमें डाल देंगे और मिक्स करेंगे। और फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे कर लेंगे डिश आउट। तो तैयार है हमारा मज़े का चटपटा सा गोश्त। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये चटपटे गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको ये चटपटे गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में ऐसा शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।